वो वैसे ही कुछ छोड़ना नीतीश कुमार के लिए महंगा पड़ गया। रामनवमी के दौरान हिंसा हुआ और उसके बाद ओवैसी ने बकायदा नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया। जब नीतीश कुमार पर ओवैसी को लेकर सवाल पूछा गया तब उन्होंने ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता दिया, जिसके बाद ओवैसी भड़क गए और अब नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है और इस तरीके से उनके बारे में बातें कही हैं जिनका जवाब शायद ही नीतीश कुमार के पास हो। ओवैसी ने हमला करते हुए कहा कि जिसने सालों तक भाजपा को बिहार में मजबूत किया वो हमें बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। जब वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा था उस वक्त घटनास्थल पर प्रशासन क्यों नहीं थी, पुलिस फोर्सेस क्यों नहीं थी, जबकि गृह मंत्रालय जो है वो नीतीश कुमार के साथ था। और फिर चाचा भतीजा यानी नीतीश तेजस्वी पर तंज करते हुए कहा कि वो सोचते हैं कि इफ्तार पार्टी से काम चल जाएगा लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। हम आपको शब्दशः बताते हैं कि ओवैसी ने क्या कुछ लिखा अपने ट्विटर से। मैंने नीतीश कुमार पर कुछ वाजिब सवाल उठाए। बिहार में हिंदुत्व तंजीमों ने जुलूस के नाम पर फसाद फैलाया और प्रशासन उन्हें रोकने में नाकाम रहा। नीतीश ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया लेकिन मुझे एजेंट बुलाकर निकल लिए, एक आदमी जिसने भाजपा का दामन गुजरात 2002 के बाद भी नहीं छोड़ा, वो आज एजेंट की नोटरी चला रहा है। बिहार में जिसने भाजपा को मजबूत किया वो हम पर सवाल उठा रहा है। बिहार में मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्ववादी जुर्म बढ़ते जा रहे हैं लेकिन चाचा भतीजा समझ रहे हैं कि इफ्तार पार्टी से काम चला लिया जाएगा। तो वैसे ही का जोरदार हमला कह सकते हैं नीतीश कुमार के ऊपर, साथ ही साथ तेजस्वी यादव के ऊपर। और वाकई में जो भी कुछ बिहार शरीफ और सासाराम में हुआ है ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि ये बातें कही जा रही हैं कि मान लिया जाए कि बीजेपी की साजिश थी लेकिन घटनास्थल पर पुलिस बल मौजूद क्यों नहीं था। और जो वहां पर चश्मदीद हैं वो बार बार बता रहे हैं मीडिया से कि अगर उस दिन पुलिस प्रशासन वहां जो है पूरी मुस्तैदी के साथ रहता तो शायद जो थोड़ा बहुत हुआ भी झड़प वो नहीं हो पाता, लेकिन वहां पुलिस प्रशासन का ना होना कई तरह के सवाल खड़ा कर रहा है और ऐसे में बीजेपी के साथ साथ ओबीसी जैसे नेता को भी बिहार में मौका दे रहा है, क्योंकि उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल वाजिब है कि आखिर नीतीश कुमार ओबीसी को भाजपा का एजेंट बता रहे हैं जिन्होंने 2002 में जब नरेंद्र मोदी पर बाकायदा आरोप लगे थे गुजरात दंगे के, उसके बाद भी नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया, बीजेपी के साथ सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री बने रहे, और ओवैसी को वो आखिर किस हक से जो है बीजेपी का एजेंट कह सकते हैं। ये बातें ओवैसी जो है वो नीतीश कुमार के बारे में कहा है और अपने ट्विटर के जरिए जो है तंज किया है। हालांकि ओवैसी नीतीश तेजस्वी के लिए एक बड़ी मुश्किल भी बन सकते हैं और यही वजह है कि इफ्तार में चाहे नीतीश हो या तेजस्वी हो वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन जो कुछ भी रामनवमी के दरमियान हुआ है, पुलिस प्रशासन जिस तरीके से वहां मुस्तैद नहीं थी, इससे जो मुसलमान है उसके अंदर भी नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है और ओवैसी इसका फायदा उठा सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी का प्रभाव इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वो ओवैसी थे, सिर्फ उन्होंने 5 सीटें नहीं जीती थी बल्कि 10 से 12 सीटें सीमांचल में ऐसी थी जहां उन्होंने आरजेडी के प्रत्याशी को चुनाव हरवा दिया, वो भले ही ना जीत पाए हों। इसलिए अगर ओवैसी की ताकत बढ़ती है, मुस्लिम वोट बैंक का रुझान ओवैसी की तरफ जाता है, तो इसका खामियाजा महागठबंधन यानी नीतीश और तेजस्वी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार सरकार जो है चंद से 100 वोट और कुछ हजार वोट के अंतर से बनने से चूक जाती है और कोई सरकार बना लेता है, और 2020 इसका बहुत बड़ा प्रमाण रहा जहां मात्र 12,000 मतों के अंतर से तेजस्वी यादव सरकार बनाने से चूक गए। ऐसे में अगर ओबीसी यहां के मुसलमानों की सहानुभूति लेने में सफल हो जाते हैं तो ये चाचा भतीजा के लिए खतरे की घंटी है। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।